आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के पहले गोरखपुर पहुंचे सीएम। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का करेंगे शुभारंभ। विकास योजनाओं का किसान नौजवानों को मिलेगा लाभ। इतिहास रचने की तैयारी में योगी सरकार। पहली बार मंदिर में होगी कैबिनेट की बैठक। 16 या 19 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में मंथन कर सकती है योगी कैबिनेट। मेरठ में आज एसपी और आरएलडी की संयुक्त रैली। मंच से अखिलेश जयंत करेंगे गठबंधन का ऐलान। दोनों पार्टी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। मिशन यूपी 2022 में जुटी कांग्रेस। आज लखनऊ में होगी कांग्रेस के एससी भाग की जनसभा। आज लल्लू करेंगे जनसभा को संबोधित। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आज बस्ती दौरा। कांग्रेस के किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बाबरी विध्वंस को लेकर ओबीसी का भड़काऊ ट्वीट। लिखा आखिरी सिसकियां बाकी रहेंगी, तब तक कलमा पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। एसपी सांसद एससी हसन का भड़काऊ बयान। कहा चुनाव आ गया, अल्लाह के वास्ते मत बढ़ जाना, नहीं कर पाओगे तो निकाल। जी मीडिया के पास राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नींव के ऊपर बनाई जा रही 1.5 मीटर मोटी राफ्ट रात में भी युद्ध स्तर पर जारी है काम। 13 दिसंबर को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को परवाह सहित बुला गया वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी देंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री के साथ होगी बैठक। उन्नाव में देवकी नंदन ठाकुर की कथा में शामिल हुए यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा काशी में कैबिनेट की बैठक बुलाकर इतिहास रचा जा रहा। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 27 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करते विपक्ष पर साधा निशाना। अमेठी में बीजेपी का सदस्यता अभियान। मंत्री गिरीश चंद यादव ने कार्यक्रम में की शिरकत। अखिलेश यादव पर कसा तंज। हरदोई में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह का दौरा। बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मथुरा में करणी सेना के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के आजमगढ़ में एसपी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा जिस गाड़ी में एसपी का झंडा, समझो उसमें बैठा एसपी का कोई गुंडा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा बुलडोजर से अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सीएम योगी ने आजमगढ़ को दी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी के गोरखपुर में शादी समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी ने स्टेज पर दुल्हन की मांग करी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में एसपी कार्यकर्ता पुलिस में झड़प। मामले में एसपी विधायक प्रभु नारायण सिंह पर एफआईआर दर्ज। 150 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। अखिलेश यादव पर वैक्सीन को लेकर बीएसपी विधायक उमा शंकर ने कसा तंग। कहा कुछ लोग घर में ही बीमार पड़ते हैं और घर में ही रहकर इलाज कराते हैं। उन्नाव में आयोजित कथा सुनने पहुंचे मंत्री मोहसिन रजा। वसीम रिजवी के सनातन धर्म अपनाने पर कहा ये लोकतंत्र है, यहां सभी की आस्था का सम्मान। कौशाम्बी में श्रमिकों के सहभोग कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति। वसीम रिजवी को लेकर दिया बयान। कहा बीजेपी राज में पुरानी संस्कृति वापस आ गई। बजरंग दल ने वसीम रिजवी का सनातन धर्म में घर वापसी पर स्वागत किया। बजरंग दल के विकास त्यागी ने कहा भारत के सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शफात हुसैन सीतापुर पहुंचे। वसीम रिजवी ने सनातन धर्म में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। मेरठ में सेलिब्रिटी कांड खेलने की तैयारी में कांग्रेस। नगमा के बाद अब अर्चना गौतम की एंट्री। अर्चना गौतम ने अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण।
बुलंदशहर में रालोद नेता पर हुए जानलेवा हमले का मामला, हाजी यूनुस का अपने भतीजे पर आरोप, दिल्ली के शातिर गैंग को दी 40 लाख में दी गई मेरी सुपारी। रामपुर में काफी समय से फरार चल रहे सपा नगर अध्यक्ष आसिम रजा ने कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने आसिम रजा को भेजा जेल, आसिम पर दर्ज है कई मुकदमे। कट्टरपंथियों को स्वामी चक्रपाणि महाराज ने दी चेतावनी, वसीम अब हमारे सनातन धर्म के अंग है, कोई भी कट्टरपंथियों के खिलाफ फतवा जारी ना करे। गोरखपुर में बेखौफ दबंगों ने किया पट्टीदार के घर घुसकर तांडव, महिला समेत पति को पीटा, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर की चिल्लाना नगर पंचायत पर ट्रैक्टर खरीद में गड़बड़ी करने का आरोप, ट्रैक्टर खरीद की जांच कराने के लिए सीएम को लिखा पत्र। अंबेडकर नगर में बीजेपी का बड़ा झटका, बीजेपी के कद्दावर नेता चंद्रप्रकाश वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी में शामिल। आगरा में पुलिस ने कोविड नियंत्रण को लेकर चला अभियान, कोविड नियमों का पालन न करने वालों को किया जागरूक। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, आग में जिंदा जलकर 3 बच्चों की मौत, पुआल में आग लगने से हुआ हादसा। मंत्री मुकुल बिहारी बनाकर ने बीजेपी कार्यालय में बूथ अध्यक्षों की बैठक ली, बूथ अध्यक्षों को आगामी चुनाव को लेकर दिया मत। मेरठ में शादी समारोह में थूक से रोटी बनाने के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इसे बताया रोटी जिहाद, आरोपी के खिलाफ रासुका की मांग। अमरोहा में गौकशी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को लगी गोली, एक सिपाही भी बदमाश की गोली से हुआ घायल। फरुखाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के घर लूट, 3 बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैराना कोतवाली में 3 गैंगस्टर के आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण, तीनों पर हुड़दंग मचाने और जानलेवा हमला करने का आरोप। झांसी में जुए के दौरान धमकी देने का वीडियो वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज में जनसभा को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की तैयारी में जुटने का दिया निर्देश। कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस डंपर से टकराई, करीब 12 लोग हुए घायल, 2 लोग गंभीर हालत में भेजे गए अस्पताल। बसपा ने घोषित किया उरई विधानसभा का उम्मीदवार सतेंद्र सिंह को, उरई से बीएसपी ने टिकट दिया टिकट। हरदोई में विदेश से लौटे 14 लोगों का पता नहीं, स्वास्थ्य महकमा और पुलिस विदेश से लौटे लोगों की तलाश में। गोंडा में बीएलओ पर लगा गंभीर आरोप, जीवित को मृत दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप। मेरठ में सपा आरएलडी की रैली, रैली की सारी तैयारियां की गई पूरी, एक साथ मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। बांदा में बेटे ने पिता की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। एआईएमएम असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रख। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने वसीम रिजवी को भारत का मनहूस चेहरा बताया। सहारनपुर में भाकियू भान गुट ने कलेक्टर पहुंचकर डीएमसी की मुलाकात, अवैध खनन को लेकर डीएमसी की शिकायत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, आज कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, चमोली भी जाने का है कार्य। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरा, आज पिथौरागढ़ में चुनाव की तैयारियों पर करेंगे बैठक, देर शाम बीजेपी ऑफिस में चुनाव प्रबंधन समिति की लेंगे बैठक। धामी कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर सहमति, सरकारी अस्पतालों में अब 103 दवाएं मुफ्त देने का हुआ फैसला, मीटिंग में 28 प्रस्ताव पर हुई चर्चा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक ही पार्टी के 2 गुटों में हुए बवाल प्रकरण को लेकर वार पलटवार की राजनीति शुरू, 36 पर मुकदमा दर्ज। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार समारोह आयोजित किया गया, कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। रामनगर में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का शिक्षक पर आरोप, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। रुद्रप्रयाग में पैसे के लालच में नाबालिग बेटी की शादी मानसिक विक्षिप्त से कराने का प्रयास, वन स्टॉप सेंटर ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी।
चमोली में मौसम ने करवट बदली, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी, निचले इलाकों में बारिश और कोहरा छाया। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही है जोरदार बारिश। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, अर्चल, मुखबा, धराली में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी, बर्फबारी के चलते तापमान में आई भारी गिरावट। इम्यूनाइजेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक में बच्चों के लिए वैक्सीन पर कोई अंतिम सिफारिश नहीं की गई, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 90 और केस मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 336 हुई। न्यूयॉर्क में सभी निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन जरूरी, 27 दिसंबर से लागू होगा नया नियम। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 23 हुए, मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 10 केस हुए। विदेश से मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली आए 295 लोगों में से 109 की तलाश जारी, कई लोगों के फोन बंद तो कईयों ने गलत बता दिया। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर बिहार सरकार, एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई टेस्टिंग, ट्रैवल हिस्ट्री पर भी रखी जा रही है नजर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए मामले, कोरोना ने ली 211 लोगों की जान। जयपुर एयरपोर्ट पर शारजाह से आए यात्री कोरोना पॉजिटिव, यूक्रेन से जयपुर लौटी युवती भी निकली कोरोना संक्रमित, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 9। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए झारखंड के सभी जिले में प्रशासन अलर्ट पर, राजधानी रांची में एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की हो रही है जांच। बच्चे ने चॉपस्टिक से पक्षियों के बड़े ही प्यार से खिलाया खाना, वीडियो देखने वाले कर रहे हैं बच्चे की चक्करदारी। शख्स ने फुल जोश में की मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस, शख्स ने हवा में मारी ऐसी किक की वीडियो देखने वालों को रोक गए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से किया स्वागत, पुतिन करीब 5 घंटे भारत में रहने के बाद स्वदेश हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत और रूस के समीकरणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत और रूस साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्ते, हमने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेंड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को महाशक्ति कहा, बोले आतंक के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश सचिव ने कहा भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर। विदेश सचिव ने कहा दोनों देशों के बीच 2031 तक का सैन्य सहयोग जारी रहेगा, अगले 10 साल के लिए रक्षा समझौता। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत, रक्षा समझौते को लेकर हुई चर्चा। भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई रक्षा सौदों पर लगी मोहर, दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच हुआ 2+2 डायलॉग। आरबीआई जल्द आएगा डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पर इसी हफ्ते आएगा कैबिनेट नोट, अगले हफ्ते लोकसभा में पेश हो सकता है। जैकलीन फर्नांडिस से 8 दिसंबर को ईडी करेगी पूछताछ, रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोकी गई थी जैकलीन, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। नागालैंड हिंसा मामले में लोकसभा में बोले अमित शाह, संदिग्धों की आशंका में हुई फायरिंग, नागालैंड में स्थिति नियंत्रण में। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सेना ने मामले पर दुख जताया है, कानून के मुताबिक कार्रवाई। 17 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुटी हरियाणा कांग्रेस, 8 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पंजाब की सियासत को लेकर अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, पंजाब में 2 पार्टियों से बातचीत जारी, सीटों पर गृहमंत्री अमित शाह से हो रही है बातचीत। किसान आंदोलन पर अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा किया पूरा, किसानों से एमएसपी को लेकर लगातार बातचीत हो रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया विरोध प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा कब्रिस्तान बना जम्मू कश्मीर, गॉडसे की विचारधारा से चल रहा है देश।
अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप का जीता खिताब। भारत में चल रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से पराजित किया। न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम एक बार फिर नंबर वन टेस्ट टीम बन गई। विराट कोहली ने अपने नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड जोड़ लिया। कोहली अब दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जो टीम की ओर से तीनों फॉर्मेट में कम से कम 50 सीट में शामिल रहे। शादी के बंधन में बंधने के लिए मुंबई से राजस्थान पहुंची कैटरीना। विकी कौशल 9 दिसंबर को है बॉलीवुड कपल की शाही शादी। अंकिता लोखंडे बनने वाली है दुल्हनिया। शादी से पहले हुई रस्मों से जुड़ा वीडियो अंकिता ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। नेहा कक्कर ने किया जबरदस्त डांस। नेहा के खास अंदाज की भाई टोनी कक्कर ने भी जमकर की तारीफ। नेहा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर ने मालदीव्स में मनाई छुट्टियां। अर्जुन कपूर ने मलाइका का बेहद दिलकश वीडियो किया शेयर। 20 सड़क अभिनेत्री ने निया शर्मा ने किया धमाकेदार डांस। साथ में सिंगर आदित्यनारायण भी कदम थिरकाते आए नजर। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अतरंगी रे को लेकर काफी उत्साहित है। सारा ने अपनी फिल्म के गाने पर एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने न्यूयॉर्क में हॉलीवुड फिल्म डोंट लुक अप के प्रीमियर पर अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस की एक तस्वीर साझा की। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर इन दिनों मालदीव में एक साथ समय बिता रहे हैं। इस बीच अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। शादी के लिए फैमिली संग राजस्थान रवाना हुई कैटरीना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। जानकारी के मुताबिक शादी का जश्न कल से शुरू हो रहा। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु के दमन दीव शेड्यूल को खत्म कर दिया है। इसकी जानकारी अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर दी।